मैं सर मौजूद हूँ उत्तराखंड एसडीआरएफ के ऑफिस में और मेरे साथ पूरी बातचीत करेंगी तृप्ति भट्ट मैम, जो कमांडेंट है एसडीआरएफ की। बातचीत के दौरान हम जानने कोशिश करेंगे एसडीआरएफ का जो गठन है, जिस चीज़ को लेकर हुआ था, उसके बाद किस तरीके से एसडीआरएफ उत्तराखंड में काम कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर मैम आपसे जानने कोशिश करेंगे। जब एसडीआरएफ का गठन हुआ था 2013, आपदा पूरे देश पूरे दुनिया में रही, वो चर्चाओं में विषय रहा, उसके बाद गठन हुआ था, किस तरीके से अब तक एसडीआरएफ ने काम किया है? एसडीआरएफ की जो ये यात्रा रही है, काफ़ी कम समय में काफ़ी अपना एक मुकाम हासिल किया है। जो हमारी विशेष रूप से दक्ष टीमें हैं, चाहे हमारी माउंटेनियरिंग की हो, हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, चाहे हमारी फ्लड टीम हो, डीप डाइविंग टीम हो, उसमें हमारे जो जल संबंधी आपदाएं होती हैं, राहत कार्य होते हैं, सड़क दुर्घटनाओं में कई बार गाड़ियां खाई में चले जाती हैं, नदियों में चले जाती हैं, तो उसमें शव की बरामदगी, जिंदा लोगों की, घायल लोगों की बरामदगी, समय समय पर जो भीषण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, काफ़ी मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम में एसडीआरएफ के द्वारा काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा हमारी लगातार ट्रेनिंग और जन जागरूकता साल भर चलते रहती है, जिसमें काफ़ी संख्या में हम लोगों को लाभान्वित करते हैं, आपदा के प्रति जागरूक करते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश में एसडीआरएफ के गठन के बाद कई प्रकार की छोटी बड़ी आपदाएं आई हैं, चाहे भूस्खलन हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे उत्तरकाशी में आराकोट की घटना हो, वनाग्नि की घटनाएं हो, आपके जो हाउस कोलैप्स की घटनाएं होती हैं, बारिश में जो मकानों के टूटने की घटनाएं होती हैं, सभी में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन एसडीआरएफ के द्वारा किया गया। और कोविड जैसी जो त्रासदी और आपदा संबंधी जो एक वैश्विक संकट आया था, उसमें एसडीआरएफ की जो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर ट्रेंड टीम है, उसने काफ़ी इनिशियल लीडरशिप ली और आइसोलेशन वार्ड ड्यूटी से लेके कोविड टेस्टिंग से लेके हमारी पैरामेडिक टीम ने काफ़ी बेहतर काम किया, कोविड केयर सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट से लेके जो हमारे पीपीई किट्स हैं उसके प्रोक्योरमेंट से पूरे राज्य को हमने लाभ दिया। जो शुरुआती स्टेज थी, काफ़ी व्यापक स्तर पे एसडीआरएफ के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया गया है, और मैं बधाई देना चाहूँगी हमारी पूरी टीम को जो इतने अल्प समय में अपना एक काफ़ी विशिष्ट स्थान राष्ट्रीय स्तर पर बना लिया है, और विभिन्न राज्यों से, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों से भी समय समय पर उत्तराखंड एसडीआरएफ के लिए कॉल्स आती हैं आपदा राहत कार्य हेतु। जो इनका एक विशिष्ट स्थान है राष्ट्रीय स्तर पर, जो एक पहचान है, उसको रेखांकित करती है। एक ही हो रहा है कि जिस तरीके से एसडीआरएफ का गठन, जिस तरह से आपने बताया कि इस क्या क्या काम किए गए अभी तक, चुनौतीपूर्ण कितना रहता है? क्योंकि आप कमांडेंट, इससे पहले आप चमोली में आपने कई सारे कमान संभाली, वहाँ के एसपी से आप कमांडेंट, बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? देखिए, एसडीआरएफ के जो अधिकतर डिप्लॉयमेंट्स हैं वो डिफ़िकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन में है, जो भौगोलिक परिस्थिति है हमारे प्रदेश की, उसमें जो दुर्गमतम स्थान है उसमें एसडीआरएफ की तैनाती रहती है। चाहे हेमकुंड यात्रा हो, जिसमें हमारे हाई ऑल्ट एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट रहता है, चाहे केदारनाथ यात्रा हो, चाहे बद्रीनाथ यात्रा हो, चाहे हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, जो विभिन्न एक्सीडेंट की साइट्स होती हैं, कई बार वनाग्नि के लिए दसियों किलोमीटर पैदल चल के पहुँच के जंगलों में आग बुझानी पड़ती है, तो काफ़ी दुरू परिस्थितियों में हमारे कर्मी काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, और अपने कार्यक्षेत्र के जोखिम के बावजूद काफ़ी उच्च मनोबल के साथ और काफ़ी कर्तव्य निष्ठा और लगन के साथ लगातार अपने कर्तव्य पथ पर तैनात रहते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हमारी पूरी टीम काफ़ी सराहना की पात्र है। अभी अगर हम बात करें तो किन किन टेक्निक्स के ऊपर काम चल रहा है भविष्य, निकट भविष्य के लिए, जिनसे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और एसडीआरएफ को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा? ये एसडीआरएफ ने शुरू से ही टेक्नोलॉजिकली खुद को इक्विप किया है। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से फंडेड प्रोजेक्ट से हमारे पास काफ़ी हाई एंड कटिंग एज इक्विपमेंट प्रत्येक क्षेत्र के लिए है, चाहे माउंटेनियरिंग हो, चाहे कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू हो, चाहे मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग की किट्स हो, चाहे विक्टिम लोकेशन हो, रिस्पॉन्डर हो, हमारे पास अंडर वाटर ड्रोन है, सोनार सिस्टम है, डीप डाइविंग की आधुनिकतम किट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। तो टेक्नोलॉजिकली शुरू से हमने कोशिश की है कि जो वैश्विक मापदंड हैं उसमें हम लोग खुद को खरा उतार सकें, और विशेष रूप से संचार में अभी रिसेंटली 4-5 काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव एसडीआरएफ के हुए हैं, जिसमें क्विकली डिप्लॉयबल एंटीना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो हमारे जीएसपीएस सैटेलाइट फ़ोन है, जो हम प्रदेश में जो दुर्गमतम स्थान है वहाँ वितरित कर रहे हैं, और देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड बन गया है जिसने सैटेलाइट फ़ोन को ग्रामीणों को प्रयोग करने के लिए सारे नियमों को पालन करते हुए ये उपलब्धि हासिल करी है। तो काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजिकल परफॉर्मेंस मैं एसडीआरएफ का अपने असेसमेंट में कहूँगी।
दो चीज़ें हैं। एक चीज़ जिस तरीके से मैम ने बताया कि SDRF को जो है जो गठन से लेकर अभी तक क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितना काम किया है, और एक और चीज़ और कि क्या क्या उसमें नई नई इक्विपमेंट्स हैं। एक चीज़ एक अहम सवाल ये भी है और आपको जानना भी बेहद ज़रूरी है कि चूंकि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और खास करके ये भी चीज़ आपको जानना चाहिए कि क्योंकि अगर आप हर किसी का अपना ख्वाब होता है IAS IPS बनने का ख्वाब होता है, तो किस तरीके से उस चीज़ में जा सकते हैं, क्या कुछ परेशानियाँ होती है, किस तरीके से आप उसमें आगे अपने लाइफ को सेटल कर सकते हैं, लाइफ आप जो गोल है किस तरीके से पा सकते हैं। मैम जो मेरा सवाल है, आप IPS हैं और कमांडेंट हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है, चूंकि जो यंग एज की जनरेशन है खास करके गर्ल्स की अगर हम बात करें तो किस तरीके से वो IAS IPS की जो तैयारी होती है UPSC किस तरह से कर सकते हैं, किन चीज़ों से उन्हें घबराना नहीं चाहिए, इन चीज़ के ऊपर थोड़ा सा। देखिए मैं कहना चाहूँगी कि जो भी यंगस्टर्स हैं उनको अपने पैशन, अपने स्किल्स, अपना लाइफ गोल्स, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे आप खिलाड़ी हैं, तो आपको उसमें भविष्य बनाना चाहिए। अगर आपकी अभिरुचि पेंटिंग में है, कला में है, साहित्य में है, तो आपको उसमें अपना भविष्य बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रशासनिक क्षेत्र में जाना है, उसमें आपकी रुचि है, तो आपको UPSC की और अपने राज्य स्तरीय पब्लिक सर्विस कमीशन्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको किसी अन्य क्षेत्र में, बैंकिंग में, फाइनेंस में, जर्नलिज्म में, किसी भी क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, तो अपने अभिरुचि के अनुसार अपने क्षेत्र का चयन करें, किसी प्रकार की अंधी दौड़ में ना भागें। अपना जो आपका व्यक्तिगत अभिरुचि है, जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकें, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे युवा हमारे अभी स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वयं नौकरी खोज करने के बजाय वो अन्य कई लोगों को नौकरी दे रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। तो अपनी सोच को एक सीमा तक सीमित ना रखें, अपना व्यापक सोच रखें, वैश्विक सोच रखें और राष्ट्रीय सोच रखें। उसके बाद अपने समाज के बारे में हमेशा ध्यान में रखें कि अपने समाज का आप एक व्यापक रूप से भला किस प्रकार कर सकते हैं। और जहाँ तक UPSC का सवाल है, तो एक डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, काफ़ी लो सिलेक्शन परसेंटेज रहती है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसकी तैयारी के प्रति इनिशियल फेज से ही काफ़ी डेडिकेटेड रहें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा धैर्य रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रयास तक भी सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन अंतिम प्रयास में सिलेक्शन हो जाता है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, काफ़ी लंबे समय तक आपको अपना धैर्य बना के रखना होता है, और संकटों से, परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो आपके इनिशियल फियर्स हैं, जो एप्रीहेंशंस हैं, या जो एक प्रकार की हम लोग धारणा बना लेते हैं कि दिल्ली जाके कोचिंग लेके ही सिलेक्शन होता है, या किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर हमने कोचिंग नहीं ली तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस प्रकार की धारणाओं से मुक्ति पाएं। अपनी सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है, और अगर आप इसमें अपना फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन के टाइम से ही आप सिंसियर रहें और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग पर ध्यान दें, अधिक से अधिक किताबों का, विचारों का अध्ययन करें, और ससमय इसकी तैयारी शुरू करें, ताकि आपके पास एक एज का एडवांटेज रहे, समय का एडवांटेज रहे, और तैयारी पूरी लगन से करें, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ कमांडेंट SDRF तृप्ति भट्ट मैम। चूंकि कोरोना 2013 के बाद SDRF का गठन हुआ था, किस तरह से काम किया आपने ये भी समझा, और ये भी समझा आपने कि तैयारी किस तरह से की जा सकती है अगर आप प्रशासनिक में जाना चाहते हैं या किसी और फील्ड में, वो मैम ने आपको पूरी तरीके से बताया है। जोलीकांड देहरादून से अपने सहयोगी सुशांत सिंह के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्षी।